सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जिनका क्वेश्चन है देखो, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट कह रहा है कि an की लिमिट क्या होगी, an आपका ये सीक्वेंस है, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंस है शायद। So the an is 1/log n and 1 + 1/2 + 1/3 and up to 1/n. So एक थ्योरम होता है ना ये, कि ये जो क्वांटिटी है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये कहाँ कन्वर्ज करती है, अप्रोक्सीमेट टू log n. This approximates to log n for n tends to infinity. तो वो log n और log n कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है, तो ये log n और ये log n कैंसिल हो जाएगा, ये है। ना क्योंकि आगे ये उसमें दे रखा है क्योंकि ये माइनस log n ना, जैसे एक थ्योरम ये था आई थिंक 1 + 2 + 1/n माइनस लॉग एन कन्वर्जेस टू ऑलमोस्ट क्या जीरो था, ये शायद एक थ्योरम है, ये उसमें है। तो कोई भी बुक देख लो, क्या था, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बार्टल एंड सबर्ट, उसमें भी है, बाकी बुक में भी है। तुम ये देख सकते हो इस तरह का रिजल्ट, तो इससे कुछ मिल सकता है तुम्हें। सो एन टेंड्स टू इंफिनिटी पे दिस क्वांटिटी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस। सो ये लगभग log x log n के अप्रोक्सीमेट जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी लिमिट इसीलिए 1 आ रही है। ये हमने पहले भी एक बार यूज किया, जैम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था वहां पे, तो वहां यूज किया था ये कॉन्सेप्ट कि दिस क्वांटिटी विल बी अप्रोक्सीमेट टू log n व्हेन n इज लार्ज, तो उससे हो जाएगा। या हार्मोनिक से, हां किसका, जैम का पहला ही को, अच्छा ओके, हाँ तो मतलब ये पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि y = x vx be the solution of the differential equation this then। तो ये सब में क्यों डाउट आ रहा है, ये तो इजी सा है। सो तुम लोग एक्चुअली सॉल्व नहीं कर रहे हो, जो सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। इसमें बस y की जगह रख दो x vx, तो एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी v के टर्म में, एंड देन वो सॉल्व हो जाएगा। ये 3x क्यों दिया है इसने, तो प्रॉब्लम है ना, ये लोग ठीक दिखते भी हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला आएगा, और ये सब कुछ भी बना दिया है। ये है yx = x × vx, तो यहां से आएगा d2y/dx² -3x dy/dx and +3y = 0। ठीक, तो y की जगह x vx रख दो, ठीक, तो y के प्लेस पे x vx रख दो यहाँ पे। अब तो क्या होगा, ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आ जाएगा v" में। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा आ गया, मुझे लग रहा है कि ऐसा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल a1 × v"x, मान लो ऐसा आ गया, +a2 × v"x +a3 × v(x) = 0। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी, जिनका डाउट है बताओ कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा। वो सिंपल CF ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि PI तो बनेगा नहीं यहाँ, तो CF ही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से CF निकलो, और वही CF Vx की वैल्यू है ना। पूछना क्या चाह रहा है तुमसे, अब V0 दे रखा है, V1 दे रखा है, V-2 क्या होगा, तो यहाँ से Vx आ जाएगा, इसका जो CF आएगा वो Vx की वैल्यू आएगी। तो वहां से इसमें 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे, क्योंकि सेकेंड डिग्री का ये, सॉरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। इसलिए जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है, डर लग रहा है, मैं कहूंगा 11th-12th क्लास का एनसीईआरटी में चैप्टर 9 एक बार जस्ट उससे गो थ्रू हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ज्यादातर क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक से पढ़ लिया ना, तो 5 में 3-4 क्वेश्चन तो कर पाओगे इजीली, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है ना, इंट्रोडक्टरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो ट्वेल्थ वाला डिफरेंशियल इक्वेशन तुम कर लोगे, बहुत हायर लेवल पर नहीं जाओ, एटलीस्ट ट्वेल्थ वाला कर लो, ये जो मैंने क्लास में कराया उसको ढंग से देख लो। इसमें कुछ है नहीं, पुट करना है। अब ये आ जाएगा सीएफ आ जाएगा उसके बाद सीएफ निकालना पड़ेगा। जी जी, सीएफ के लिए क्या करते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो ना। और एग्जाम्पल नहीं नहीं, अरे भाई इसका सीएफ कैसे निकालें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ तो पहले इसके लिए सॉल्व करोगे ना कि m क्या आता है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना इसका। मतलब तुमने ट्राई नहीं किया ना क्वेश्चन, दिक्कत ये मैं बोल रहा हूँ। वाई एक्स है, तुम वाई डैश निकालो, वाई डबल डैश निकालो, यहाँ पुट करो, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एंड एक्स में है अब वो वी एंड एक्स में आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करके हम वी एक्स निकाल सकते हैं। अब मेन ये तो जानना है क्या तुम्हें ये सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आएगा ही। अरे भाई मान लो अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, चलो एग्जांपल के लिए बताओ इसका क्या होगा सॉल्यूशन। अगर मान लो एंड में ये आ गया तो इसका सॉल्यूशन व्हाट इज vx हियर। तो vx 1 2 नहीं होगा, सॉल्यूशन 1 2 होगा ना। तो यहां से m की वैल्यू 1 2 आ गई, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन c1e2x + c2e2x। यस, सो c1e x + c2e, मान लो 2x तुम्हारा है, 2x तो सेम यहां पे आ जाएगा। अब मान लो तुम्हारा vx ये आया इस क्वेश्चन में, c1e x c2e 2x। अब ये टू कंडीशंस दे रखा है ना इन्होंने कि v0 इज 0, सो v0 इज 0, यहां से इक्वेशन बन जाएगी c1 c2 में। So स्टार्ट करो ना, एटलीस्ट सॉल्व करना शुरू करो ना। मतलब तुम सॉल्व आगे कंटिन्यू करो, देखो एंड तक क्या जाता है, फिर मुझसे पूछो तुमने कहाँ तक सॉल्व किया, उसके आगे क्या करना है। क्योंकि अगर सॉल्व करके नहीं आओगे तो फिर कुछ बेनिफिट नहीं है। ये है। अब इससे क्या होगा, c1 की वैल्यू आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से vx आ गया एक्सप्लिसिटली। अब जब vx एक्सप्लिसिटली आ गया, तुमसे v -2 पूछा है तो x की जगह -2 रख दो। क्या तुमने ये सब किया है, क्वेश्चन ये है ना। सर वहां पर x का इस्तेमाल छोड़ दिया क्वेश्चन, कहां पे x, ये इसको प्रोडक्ट रूल लगाओ ना, y को इसके टर्म पुट करो ना, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दिया होगा वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसे छोड़ दोगे तो छोड़, घर पे तो मत छोड़ो, एग्जाम में लगे नहीं होगा या बहुत टाइम लगेगा तो इनिशियली स्किप करो। अब घर पे छोड़ोगे तो फिर तो एग्जाम भी छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। घर पे तो होता है कि हम सीखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे कि आगे क्या डिफिकल्टी आने वाली है। अब पहले ही अज्यूम कर लेंगे डिफिकल्टी आएगी, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो दिक्कत है ना। सॉल्व करो, फिर आगे जब जैसे स्टेप बढ़ोगे वैसे से दिखेगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है, सुजील ने 95 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे रखा है। सो अच्छा टेबल बुक क्वेश्चन में देख लो, मैं बनाता नहीं हूँ, सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो टेबल में एक पीएमएफ दे रखा है और एक पीएमएफ दूसरा पीएमएफ है। H0 में F0 पीएमएफ है, H1 में F1 पीएमएफ है। बेस्ड ऑन द साइज 1, तो सिंगल सैंपल साइज है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05 विल रिजेक्ट H0। तो सिंपल 4 ऑप्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन ए अगर क्रिटिकल रीजन होगा तो व्हाट इज द साइज ऑफ द टेस्ट। इनका डाउट है सुजील, आर यू हियर? So what is out? You tell if first option is the critical point. What is the size of the test? .05. Okay. And what about other? What about option 2? May what is the size? हाँ providing value? Yes. First of all, out of four options, which option has size 0.05? Zero, मतलब option one. तो option one is the correct answer. Sir, what about the 0.195? Which option? If they ask 0.1 as the how to calculate? So they will not ask you 0.1 here. If they will ask, there will be a condition to achieve 0.1. So in that case, there are that type of questions also. But you have to solve those questions. Yeah. But here it is the understand the concept of this question. This is simple. Only 0 or 10 size. So only this is the option correct. Nothing else. नेक्स्ट हाँ जी रिया देखिए इनका है कि 20 नंबर क्वेश्चन ना देखिए सो दिस क्वेश्चन सेज यू बी द कॉलम वेक्टर विथ यूनिट नॉर्म थोड़ा सा एडवांस नहीं हो गया यूनिट नॉर्म है ना तो यू जो है कॉलम वेक्टर है जिसका क्या है यूनिट नॉर्म है यूनिट नॉर्म मतलब क्या मैग्नीट्यूड 1 होती है नॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड समझ लो सो एंड ए जो है आई माइनस 2 टाइम यू ट्रांसपोज सो यू फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये n क्रॉस 1 का है ना तो एक्चुअली यू ट्रांसपोज इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आई थिंक ना हाँ क्योंकि u का है n क्रॉस 1 यू ट्रांसपोज n क्रॉस n यू ट्रांसपोज इज एक्चुअली n क्रॉस n मैट्रिक्स और इसका डायरेक्ट एक थ्योरम भी था व्हाट इज रैंक ऑफ यू ट्रांसपोज किसी को याद है लोग जैम गेट में कर रहे थे ये इसको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं इसका रैंक हमेशा 1 आएगा तो वेरीफाई कर सकते हो अपने मर्जी से कोई लेके देख लो एग्जांपल के लिए यू टेक सम नंबर्स हियर 1 2 3 ले लो फॉर एग्जांपल और ये फाइंड करके देखो ये मैट्रिक्स क्या आता है और उसका फिर रैंक निकालो अच्छा तो पूछना क्या चाह रहा है देन वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स इज अच्छा तो यहाँ ए इनवर्स हमें इसकी जरूरत भी नहीं है हालांकि है ना सिंपली दे आर आस्किंग अस ए इनवर्स सो ए इनवर्स का मतलब क्या है तो किससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास इनमें से किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो पूछना चाह रहा है ओके यूनिट नॉर्म का मतलब क्या था देखो यूनिट नॉर्म का मतलब था तो यहां से जो डिटर्मिनेंट आएंगे है ना तो ये मुझे लग रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा फिर ऑर्थोगोनल ही होगा ठीक है ना तो U और U ट्रांसपोज होगा उसका भी तो नॉर्म इसका मेरा लाइक डिटरमिनेंट इसका 1 आएगा एक चेक कर सकते हो देखो नॉर्म 1 का क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ U इज दिस काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 क्रॉस 1 का ले लूं तो यहां जैसे 1/√2 1/√2 तो इसका अगर नॉर्म निकालोगे तो क्या होता है जैसे आप लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो वैसे ही a² b² का स्क्वायर रूट तो 1/2 + 1/2 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा तो यहाँ से नॉर्म 1 आ जाएगा अगर यहाँ मैं u और u ट्रांसपोज कैलकुलेट करूँ तो u तो ये है और u ट्रांसपोज ये हो जाएगा तो ये मैं एग्जांपल लेके वेरीफाई कर रहा हूँ जनरल भी हो जाएगा बट एग्जांपल से आप देखो क्या होगा तो ये कितना आ जाएगा जी ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी सो 1/2 1/2 1/2 देखो इसका रैंक 1 है अब यहाँ इन्होंने कहा है कि ए क्या है i माइनस 2 टाइम दिस तो 2 टाइम करोगे तो ये आ जाएगा 1111 और आई क्या होता है 1001 है ना। तो सब्ट्रैक्ट करो, ए क्या बना यहाँ से, तो ए बना 0 -1 -1 0, ये ए है। एंड नाउ अब बताओ, जैसे मैंने ए एक्सप्लिसिटली फाइंड कर दिया आपके लिए, जब आपको समझ ना आए यू टेक वन एग्जांपल। अब ये ए आ गया, अब इस ए के लिए आप देख लो इन चारों में से कौन सा इनवर्स सुटेबल हो सकता है। तो अगर मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूं अगर, तो ए इनवर्स यहाँ क्या बनेगा, व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट इसका है -1, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए जॉइंट ए। जॉइंट ए में क्या होता है, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। सो एक्चुअली ये खुद का इनवर्स है ना, सो ये खुद का इनवर्स है एक्चुअली। क्लियर है जी, देख लो इनका डाउट था मैंने क्या किया, आपको समझ आया कि नहीं। ए बराबर 1 -2 टाइम u ट्रांसपोज था। तो मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपली कि सपोज माय u इज दिस, जहां नॉर्म 1 होना चाहिए तो नॉर्म मतलब दिस, सो u इज दिस। अब u ट्रांसपोज निकाल लिया, ये मैट्रिक्स आ गया। इस के हेल्प से a मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ए आ गया, ए का इनवर्स निकाल के देखो ए ही आएगी, मैंने इनवर्स निकाला जैसे। सो ए का इनवर्स ए के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, पूछा इनवर्स क्या है, तो खुद के इक्वल है। ये तो हमने जस्ट एग्जांपल से किया है। इज इट फाइन या मैं थ्योरेटिकल करके दिखाऊं, रिया है, समझ आया कि नहीं, तो थ्योरेटिकल भी हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखो छोड़ो नेक्स्ट। हाँ जी निशा, इसमें क्या डाउट है आपका, x1 x2 xn रैंडम सैंपल है पॉइजन थीटा का और t x बार के इक्वल है, तो इसमें क्या डाउट है भाई। इस तरह क्वेश्चन में तो मत फंसो कम से कम, अभी तक मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ ये सब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, मतलब जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो शुरू में बताते हैं लोग ना बात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, पॉइजन थीटा में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा। हाँ जी निशा बताओ, एमएलई थीटा क्या पॉइजन थीटा निकालना आता है आपको। जैसे कोई क्वेश्चन जब डाउट पूछते हो तो पहले उसको ट्राई कर दो और फिर आप पूछो, तो उससे ही आपको पता होगा मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप बता पाओगे। बताओ पॉइजन थीटा में थीटा का एमएलई कितना आता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है इंट्रोडक्ट, मतलब जस्ट एमएलई आपको पता होगा निकालना कैसे होता है। नहीं एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अब एमएलई पढ़ाना पड़ेगा आपको, अभी इतने रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पड़े हुए हैं आप लाइव क्लास में, तभी एमएलई निकालना सिखाना पड़ेगा। आप सीखते क्यों नहीं हैं सर, एक्सपेक्टेशन नहीं आते उसमें, लॉन्ग टी बाय टी जी वही करते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे। हाँ तो आप याद भी रख सकते हैं किस डिस्ट्रीब्यूशन में एमएलई क्या होता है, वही तो आप वही करके बताएंगे तो पता चलेगा क्या आंसर आएगा। आता तो है ही आपको, आप बताइए एमएलई थीटा क्या आता है यहाँ पे। अब इसको पता होना चाहिए ना, एक्स बार होगा जो कि आपके क्वेश्चन में टी दे रखा है, अब ये सब याद होना चाहिए जनरली। अब आपको पूछ रहा है कि e की पावर माइनस थीटा का एमएलई क्या है, तो वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होती है एमएलई का कि अगर t इज एमएलई ऑफ थीटा सो gt इज एमएलई ऑफ g थीटा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस थीटा का एमएलई क्या होगा, e की पावर माइनस x बार। में क्या दिक्कत है, मतलब समझने क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या नहीं पता है, मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो यू शुड नो कि आपको क्या जानना है इस क्वेश्चन में। ऐसे नहीं क्वेश्चन देके पूछ लिए तो उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले तो खुद ट्राई करो, जब नहीं हो रहा है तो ये डिसाइड करो कि आपको पता क्या नहीं है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली आस्क कि मुझे ये नहीं पता है कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक तो एमएलई पता हो उसका क्या होता है, दूसरी इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होती है कि थीटा का एमएलई ये है x बार, तो e की पावर ये होगा। या तो आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, क्या नहीं पता है, ये तो जब क्वेश्चन पूछो तो ऐसे पूछ लोगे सर ये नहीं पता मुझे, लास्ट वाला निकल जाता है e की पावर माइनस थीटा। ठीक है ना, तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो थीटा का एमएलई x बार है तो e की पावर माइनस थीटा का जो हमें होगा e की पावर माइनस x पावर होगा, खत्म। तो ये e की पावर माइनस t हो जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर पेयर डेटा हैज n बराबर 5 समेशन x 15 समेशन y 27 एंड सो ऑन द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, रिग्रेशन y ऑन x। तो y ऑन x का एक्सप्रेशन क्या होता है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। ये रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x। अब द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बताओ भाई बीटा 1 का एस्टिमेटर क्या होता है? हार्दिक है अभी क्लास में? So, क्यों नहीं निकाल पा रहे? जिनका डाउट है वो बताओ भाई, व्हाट इज द डाउट? ये डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। इफ यू सर्च एनीवेयर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देख लो, सारे डेटा दे रखा है। हाँ जी, है जिनका ये डाउट है? हारने गाड़ी वेयर छोड़ दो फिर, है ना आगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या करना है, कोवेरिएंस 1 by n समेशन xi yi minus x bar y bar upon 1 by n समेशन xi square minus x bar square। ये सारी वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू पुट दिस। ये सब जैम वाले क्वेश्चन है, तुमने अभी तक सीखे नहीं है, अब सीधा डाउट पे आ गए। x1 x2 xn। हां जी निशा, बताओ इसमें क्या डाउट है, इसमें क्या पूछना है आपको इस क्वेश्चन में? कि x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज umv ऑफ थीटा। अब umv आपको पता है क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन में umv? UMV के लिए क्या करते हैं? तो वैसे इसका डायरेक्ट थ्योरम ही हो जाए, तो याद है, नहीं तो डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने के लिए पहले आपको कंप्लीट, हाँ कंप्लीट सेक्शन काउंट, हाँ सो फर्स्ट यहाँ से आप कंप्लीट और सफिशिएंट एस्टिमेटर बताओ। एक्चुअली मैं जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका सेगमेंट है, UMU तक पहुंचने के लिए कंप्लीट पता हो, सफिशिएंट पता हो, फिर उसका एक फंक्शन ढूंढना है जो अनबायस्ड हो। तो आपको कहाँ पे डाउट है, क्या आप कंप्लीट निकाल रहे हो, सफिशिएंट निकाल पा रहे हो, ये वो भी बताना है, ये चीज है। यूनिफॉर्म ये सब सिंपल है, कंप्लीट सफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका पहले PDF लिखोगे। PDF क्या आता है, 1/2 थीटा x फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा, ठीक। अब क्या करना है, तो यहाँ से पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा ना कंप्लीट सफिशिएंट, उसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, या इसी को कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक्लीहुड लिख लो। हाँ, हालांकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है ना कि क्या आएगा इसका, लेकिन ये यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, यूनिफॉर्म 0 थीटा होगा क्या इसमें? ये करेक्ट है, ये किसी ने सॉल्व किया है इसको? सर यूनिफॉर्म 0 थीटा होगा। अच्छा, 0 थीटा होगा तो बीटा बन जाएगा, उसके बाद बीटा का जो हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो बन जाएगा सर। अच्छा, तो यूनिफॉर्म 0 थीटा होगा। अगर माइनस एस दिया तो क्या होगा, तो उसके हिसाब से यहां से ब्रेक करना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहां पे अलग स्टैटिस्टिक्स आएगी कि थीटा मोर देन इक्वल टू xi, और दूसरा माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू xi, ये है। या मॉड कंसीडर कर सकते हो कि मॉड xi जो होंगे वो यूनिफॉर्म 0 थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिफाइन भी नहीं किया ना xn क्या है, xn क्या है और स्टैटिस्टिक्स का है। तो जो t होगा मैक्सिमम ऑफ मॉड xi आ जाएगा फिर। एक मिनट, हाँ अच्छा, क्लास स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना क्लास का। हाँ तो रुको एक मिनट, सीएस इसका तो लंबा प्रोसीजर होगा। इसके लिए आंसर भी नहीं आएगा। मुझे लगता है यहाँ जीरो थीटा कर देंगे तो इजी हो जाएगा ना। यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए डायरेक्टली आंसर वो ऑप्शन लगा रखा है, मुझे लग रहा है सो करेक्ट करवाना पड़ेगा। सर ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, सीयूटी के किसी पेपर में मैंने देखा था, सेम ऐसे ही था। हां अच्छा पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू सबसे मैंने कहा है। देखो निशा, पहले तो एडवाइस आप लोगों को ये है, जो लोग बिगिनर है ये जो एग्जाम टाइम पे जिनका नींद खुलता है, तैयारी शुरू करते हैं एग्जाम के 4 दिन पहले, तो उनके लिए बता रहा हूँ पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, क्योंकि हम पिछले 1 महीने से पीवाईक्यू ही कर रहे थे। हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ था 12 फरवरी को, तब हमने शुरू में पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू किया था। हमने कहा था बच्चों को आप सॉल्व कीजिए, डाउट डिस्कस कीजिए। तो जैसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने पीवाईक्यू भी नहीं किए हैं, सिलेबस भी नहीं किया ठीक से। चोरी सच्चाई ये है जो एग्जाम के 4 दिन पहले जगते हैं जो लोग, तो ये दिक्कत है। आप सिलेबस ठीक से कर दो, पीवाईक्यू ठीक से कर लो, तो 90% चीजें तो ऐसे ही हो गई, कवर हो गई जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। फिर होता है अपना लेवल इंक्रीज करना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से इंक्रीज होगा। एटलीस्ट सिलेबस और पीवाईक्यू को ढंग से कर लो, ये है। लेकिन वो मैं जानता हूँ कुछ बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे एग्जाम के 4 दिन पहले ही जगते हैं कि चलो एग्जाम आ गया, आप थोड़े किताब खोलते हैं। जैसे सेमेस्टर एग्जाम है तो सेमेस्टर में है कि चलो समाउ पास कर जाओगे, वहाँ पासिंग क्राइटेरिया 33%, 35% 40% है। यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो रैंकिंग होनी है, तो बॉटम पे आओगे तो बाहर रहोगे, लिस्ट के एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीजें हैं, तो एटलीस्ट सिलेबस और सब कवर करो, जो बेसिक चीजें हैं वो तो पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं ना। तो एटलीस्ट सॉल्व करके आओ, तो मेरे से डिस्कस करो कि मैंने ये सॉल्व किया और ये नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ आएगा कि आप ट्राई करोगे। एग्जाम टाइम है ना, अब ये टाइम थोड़ी है कि मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा शुरू से। हम लोग शुरू में सिखा रहे थे ना, पूरा सिलेबस पढ़ाया जैम के, फिर गेट का, फिर हम सीयूटी के शुरुआत में हमने कॉन्सेप्ट भी बताए, पीवाईक्यू भी कराए। अब टाइम है सिर्फ डाउट डिस्कस करने का। तो डाउट जैसे कोई डिस्कस तब होगा जब आप ट्राई करके आओगे, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या नहीं पता है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्या ही मतलब है, कर भी दूंगा लेकिन आप बताओगे नहीं हो रहा तभी करेंगे ना। क्या करना है अभी, डाउट है ना, तो कहाँ गया ग्रुप में और किनका डाउट रह गया? किनका डाउट है? पहले तो टेस्ट के बाद ना ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर डाउट पूछो। वो लोग जो टेस्ट देते हैं सीधा डाउट, अरे जो गलती हुआ उसको सीखना ही, अपने तरफ से तो कोशिश कर लो, थोड़े बहुत क्वेश्चन गूगल कर दो। जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम अगर जैसे कुछ डेफिनेशन नहीं पता, थ्योरम नहीं पता, तो क्या करना है, तुम जस्ट एज इट इज क्वेश्चन गूगल कर लो, तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। ये है। अब बताओ, जैसे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H1 is true is known as, हम इसमें क्या बताऊंगा, ये पावर का डेफिनेशन है। अब ये भी इसने डाउट पूछा हुआ है निशा ने। नहीं सर, इसमें टाइप ओवर 2 एरर का तो डेफिनेशन भी ऐसी क्या होता है, वही तो दिक्कत है ना कि आपका लेवल इतना जीरो है कि आपको भी डिफरेंस नहीं पता टाइप 2 और पावर में। यही दिक्कत है ना, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग पूरे साल क्या पढ़ते हो समझ ही नहीं आ रहा है। क्या होता है बताइए, टाइप 1 एरर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 रिजेक्ट H1 H1 H0 ये देखो मान लो मुझसे पूछने के बजाय आपको क्या करना था इसमें, या तो कोई किताब खोलने थे, एक बार खोल के कंफर्म कर लेना था कि टाइप 2 एरर क्या होता है, पावर क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या, हर किताब में लिखा हुआ है, गूगल कर लेते आप। तो ये डाउट क्लास से पूछने का क्या मतलब बनता है कि ऐसा मैं क्या ही नया बता दूंगा जो आप किताब, मतलब ये सब पढ़ा चुके हैं ना आप, डेफिनेशन में क्या ही बता दूंगा डाउट क्लास में। तो ये सब आपको तो अपने तरफ से जीरो एफर्ट करने हैं, बस टीचर भेज दो सारे क्वेश्चन जो फंसे। अरे सीखना है आपको, तो आपके जैसे मान लो टेस्ट में गलत हो गया तो गूगल कर दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H1 is true, आ जाएगा क्या है। बुक खोल के देख लो, कोई भी बुक, प्रसन्ना साहू, रोहित की, खोल के देख लो। पर्पस सीखना है ना, पर्पस ये थोड़ी है कि सर बताएंगे तभी आएगा। तो सीखो, जब कहीं से, जब तुम हर जगह से हार जाओ तब मेरे से पूछो, तुम गूगल करके देख लो, नहीं मिले तो पूछो, दोस्त से पूछ के देखो, नहीं मिले तब मेरे से पूछो। अब ये छोटी छोटी चीजें जिसका कोई जब मेरी कोई जरूरत नहीं, किताब खोल के डेफिनेशन देख लोगे और आ जाएगा। और ये तुम डाउट क्लास में पूछ रहे हो डेफिनेशन चीजें। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर नहीं होता क्या होता है बताओ, तो पावर क्या होता है फिर, तो फिर पावर क्या होता है तुम मुझे समझाओ। चलो यहाँ ले लेता हूँ, रिजेक्ट क्या बोल रहे हो तुम, H0 when H1 is true, तो पावर क्या होता है फिर, 1 माइनस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन नॉट when H1 is true। तो नहीं पता ना यहाँ पे, ये दिक्कत है डेफिनेट ठीक से। ये कहाँ पढ़ा आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, जरा कोई बुक खोल कर देखो जरा कहाँ लिखा हुआ है ऐसा चीजें कि टाइप 2 एरर का मतलब ये आपने कहाँ देखा है, मन से बना दिए। कोई बुक अभी खोल कर देख लो, 2 मिनट टाइम ले लो, कोई भी बुक खोल कर देख लो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा टाइप 2 एरर ये है। अगर गलत हुआ तो क्या करना है कि हमें अच्छा पता है गलत हो गया तो कंफर्म कर लेते हैं बुक देख के, चेक करके बताओ। ये तो पावर का डेफिनेशन है। ये अब ये मैं ही बताऊंगा तभी आप सीखोगे, किसी पहले जब इतना टेस्टिंग में पढ़ाया जैम के दौरान, इतना 20-20 क्लासेस मैंने लिए होंगे सिर्फ टेस्टिंग के, तब आप क्या सीख रहे थे समझ नहीं आ रहा। या तो ये याद रखो, ये याद रखो, किसी एक तरीके से याद रखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ये सही बात है। ठीक है, जब कोई टेस्ट दो, टेस्ट के बाद एनालिसिस करो कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। गलत हुआ तो खुद से देखो, बुक खोल के थोड़ा सीख लो, ऑनलाइन सीख सकते हो, दोस्तों से सीख लो। फिर भी नहीं सीख पाओ तो पूछो। यहाँ पर्पस सिर्फ टीचर को परेशान करने से आपके रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा आपके मेहनत करने से। और जहां आप लैग कर रहे हो वहां आप टीचर का हेल्प लो जहां जरूरत है। इन सब डेफिनेशन में थोड़ी टीचर की जरूरत है, वो तो बुक खोल के पढ़ लो, डेफिनेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा किसकी क्या डेफिनेशन। अब मैं क्या ही बता दूंगा इसमें आपको। जैसे आप बोल रहे हो सी ऑप्शन होना चाहिए, किस बेसिस से बोल रहे हो, हर चीज का एक रेफरेंस होता है। आप बुक खोल के चेक कर लो ना एक बारी कि क्वेश्चन सही है आप सही हो, तो बुक खोल के चेक कर लो। कंफर्म नहीं करना बुक से। क्वेश्चन पिन किया है देखने ग्रुप में। जी जी VIBD क्या होता है? हाँ तो क्वेश्चन में VIBD करते करते रहता है। अभी तो बताया, तुम अभी ज्वाइन किए हो क्लास, ये अभी बताया तुम्हारा वी वाले क्वेश्चन। ये तो दिक्कत है, हर बात से अलग अलग ज्वाइन करता है, पूरा क्लास ज्वाइन तो करते नहीं तुम लोग। ये आइडिया था ना इस क्वेश्चन का, कहाँ गया बी वाले का, इसमें क्या दिक्कत है? ये नहीं सर, अभी पिन किया हुआ है देखिए जरा, डॉट से हो गया BIBD करके। नहीं नहीं ये सब छोड़ दो, ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, ये सब ड्रॉप किया हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है। और किनके डाउट रह गए? तो सर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भेजें। हाँ आप इंटीग्रेशन का भेजें, इधर इसका एक है और 1 by 1 रुको, तो एक समय इतने सारे क्वेश्चन आगे पता चला कौन सा डाउट का है, कौन सा घर बैठ के भेज रहा है। रुको 1 by 1, ये tan इनवर्स ax upon x into 1 plus x square इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 550. इसमें क्या डाउट है सर? ये tan इनवर्स को t मानने पे नहीं हो रहा है. अच्छा, बुक में देखे तो बहुत लंबा प्रोसेस था सर, वो स्पेशल का इंटीग्रेशन स्पेशल केस करके था कुछ. हाँ तो होगा, उस तरह से कुछ होगा. मैं भी करूंगा तो वैसे ही होगा. चलो 5 और 15 पूछा है ना, तो 15x 0 से tan इनवर्स. अब ये 11th 12th का क्वेश्चन लग रहा है, कर रहे हैं. चलो देखते हैं करके. सो ये है ना tan इनवर्स 15x अपॉन दिस. अब क्या करना है, tan इनवर्स चलो t ले लो, क्या दिक्कत है बोलो. अगर tan इनवर्स को मैं t ले लूंगा तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे मान लो t बराबर है tan इनवर्स 5x, तो यहां से क्या हो जाएगा tan t इज इक्वल टू 5x. सो x बराबर 1 अपॉन 5 tan t. सो dx अपॉन dt क्या होगा 1/5 सेकेंड स्क्वायर t. एक तो तुम लोग खुद पे भरोसा कम, बुक पे ज्यादा भरोसा करते हो. t अपॉन x की वैल्यू क्या है tan t अपॉन 5. 1 प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 लेंगे ना 5. क्या लेंगे 5 लेंगे कि 15? क्वेश्चन में तो 15 जो है. अच्छा मैं 5 लिख दिया गलती से. हाँ ये मैंने गलती से 5 लिख दिया, तो 15 हाँ वो 15 तुम सही कर, तो ये 15 रखो कोई बात नहीं. हाँ तो 1 प्लस अब x² की वैल्यू कितनी होगी, वहां से x² निकाल लो. तो tan स्क्वायर t अपॉन 15 स्क्वायर 225. इस तरीके से अब dt कितना हो जाएगा, dt आपका यहाँ से मतलब dx ना, ये dx था तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो ये आ जाएगा है ना, ये है. अब यहाँ पुट करो इसको. अब ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो इसको थोड़ा इजी बना सकते हो किसी बीटा गामा से करके, तो वो देख सकते हो तुम, तो उसका देखना पड़ेगा. ये बनेगा देख लो. अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर, की बुक में ये मेरा सेपरेशन से किया हुआ. अच्छा अब क्या करना है, tan t को अगर हम, अच्छा तो वो तो हम वापस आ जाएगा नहीं. सो अब इसके बाद तुम्हें करना है, क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा. बताओ लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब लिमिट क्या आएगी t की. जब 0 है तो 0 है, और जब tan इन्फिनिटी है तो क्या होगा, x को 0 रखा 0 आ गया, तो π/2 आ गया. ठीक है. अब यहां अगर हम प्रॉपर्टी लगा दे, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. सो मान लो ये i है, फिर से i. अब प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि t को रिप्लेस करो π/2 माइनस t से, तो क्या बनेगा ये 0 से π/2 है नहीं, तो चेंज हो जाएगा सब कुछ. ओके कोई बात नहीं. तो क्योंकि सब कॉट में आ जाएगा, तो लेंदी तो होगा है ना, लेंदी तो सॉल्व होगा क्योंकि इसमें टी भी है. क्योंकि टी नहीं होता ना तो क्वेश्चन आसान होता. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और वो भी है, तो लंबा तो होगा. वैसे ही सॉल्व हुआ, उसने कर रखा. दूसरा क्या सजेस्ट कर रहे थे भाई तुम, ना सो जाते हैं, क्या बता रहे थे आप? मेथड ऑफ सेपरेशन से क्या हुआ? मेथड ऑफ सेपरेशन से, अच्छा कैसे बाई पार्ट लगा सकते हैं इसमें. देखो सॉल्यूशन है तो भेजो, अगर कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन लेंदी है, क्यों लेंदी होगा ये, या तो एक ऑप्शन ये भी है बाई पार्ट सोच सकते हैं, तो बाई पार्ट भी लेंथ तो वही पड़ेगा, किसी तरीके से इसको बाहर रखोगे एंड देन सॉल्यूशन भेज दो, वही जो सॉल्यूशन है वही होगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर बुक में किसी ने कर रखा बहुत लंबा तो मैं शॉर्टकट तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं भी करूँगा तो लेंदी ही बनेगा। ये है बुक में तो है ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिला हुआ बुक में, सर डेरिवेटिव किया हुआ लेकिन 15 की जगह ए लिया हुआ 5a। हां पहले 5a ही था क्वेश्चन ना, बाद में a को 15 रखना है, तो अच्छा वो भी कर सकते हो तुम। एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया पहले सर, अब बाद में इंटीग्रेट कर दिया होगा। फिर इंटीग्रेट कर रहा है। हां तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बट ये लेंदी है ही, क्योंकि वो मेथड क्यों एग्जिस्ट आया, क्योंकि इजीली सॉल्व नहीं होगा ना, इसीलिए। क्योंकि इनिशियली जब कोई अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट अप्रोच ट्राई करते हैं, तो ये वो अप्रोच है जो वर्क किया, अदरवाइज बाकी में प्रॉब्लम होगी। तो कोई नहीं, उसी तरीके से करना पड़ेगा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसीलिए। तो जिनके क्वेश्चंस रह गए आप भेजो, दोबारा बॉटम पे भेजो, पता चलेगा किनका किनका रह गया। बहुत सारे क्वेश्चन पी वैल्यू कहां है वो क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन के ऊपर है, टू क्वेश्चंस अप है। रुको रुको, तुम पिन कर सकते हो बॉटम पे सो दैट मैं वहां तक पहुंच सकूं, उसको पिन करो बॉटम में। तो इसका जो आंसर होना चाहिए एक बार और कर रहे थे ना, हाँ 91 जो है। सो दिस क्वेश्चन इज कि सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा नॉट स्क्वायर, एच नॉट है, और जो H1 है दैट इज द सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक, अब ये कह रहा है ए इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सो दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट the probability of test statistics less than a will be 1 minus delta. Okay sir, option d ho gaya, isme option a diya hai, that's it, option a nahi d hi hoga, I think d hoga, no problem। okay ha kyunki wo 2 time ho jayega kyunki greater than more than भी है ना, तो यहां से probability t more than a ये delta आ जाएगा। तो आपका जो क्रिटिकल रीजन होगा नॉट इक्वल टू है ना, टू साइडेड है एक्चुअली, तो टू साइडेड है तो, और ये कहीं ना कहीं उसमें जाता है काई स्क्वायर में जाएगा, तो टू साइडेड दोनों साइड कंसीडर करेंगे। सो हियर डेल्टा एंड इक्वल रहेगा, उधर भी इतना ही रहेगा डेल्टा, तो ये गोस मोर टी लेस देन ए इट वुड बी जस्ट डेल्टा ना। हां हां हां, इफ इट वाज मोर टी लेस देन ए इट वुड द आंसर विल रिमेन सेम, टू डेल्टा ही होगा। हाँ आंसर इज 2 डेल्टा, आंसर इज 2 डेल्टा, नो प्रॉब्लम। किनका क्वेश्चन रह गया, जिनका रह गया उनको पिन करो बॉटम पे। हाँ अभी आई थिंक और कौन लोग हैं, मधु इनका रह गया, क्या है बताओ भाई। ये आपका है 10 fx 1 है अगर mod x less than equal to 1 है, 0 है more than 1 है, gx 2 minus x square है, hx is f of gx है। तो ठीक है, so fx है 10, 1 कब है जब mod x less than equal to 1 है, और 0 कब है जब mod x more than 1 है। ठीक, so इस तरीके से है, 1 जब mod x less than equal to 1, 0 जब mod x more than 1। अब अच्छा सॉरी, ये जी एक्स हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमसे पूछा है कि एच एक्स जो है दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ध्यान दो, अब तुम बताओ जी एक्स का मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है, इसको खोलें, 2 minus x square less than equal to 1 more than equal to minus 1, तो यहाँ से minus x square is घटा दो, ये minus 1 और इधर से 1 हो जाएगा। चेक करो इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो -3 और यहाँ से x स्क्वायर 1 से 3 हो जाएगा, ये ना चेक करो। तो यहाँ से x स्क्वायर लेस देन 3 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट अंडर 1 जो कि 1 से रूट 3 तक, ये ना। तो देखो अगर इस बेसिस पे लिखोगे ना इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। 1 कब होगी जब x की वैल्यू इसमें होगी, x इज बिटवीन 1 एंड रूट 3, और ये कब होगी अदरवाइज ना। तो या तो x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, या x मोर देन रूट 3 हो जाए, ना। तो ये चीज है। अब बताओ तो कितने पॉइंट ऑफ, अच्छा आपका आंसर आ रहा है 2 पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी और इसने बना रखे हैं 4। तो यहां से क्या मिला तो 1 रूट 3, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा गलत सॉल्व नहीं किया है, यहाँ गलत सॉल्व किया है ना। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फर्दर, अगर मैं रूट लेता हूं सब पे तो क्या बनेगा जी, आपको पता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाँ एक्स नहीं, मॉड एक्स। x लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए गलत आ रहा था आंसर। तो ये मॉड x है। अब मॉड x ऐसा कब होगा, इसको खोलो तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो x की वैल्यू 1 से रूट 3 में है या x की वैल्यू -√3 से -1 में है। तो यहाँ 2 चीजें हैं, दिस और x -√3 से -1 में है यहाँ पे। सो देख लो अब उसके हिसाब से इंटरवल बना लो, समझ आ गया ना। तो ये 4 पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी है, 1 रूट 3। तो गलती कहाँ कर रहे थे, एक्स स्क्वायर को एक्स लिख के, एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, एक्स स्क्वायर का रूट जो है इज मॉड एक्स ऑलवेज, नॉट एक्स ऑलवेज, है ना। रूट 4 इज ओनली 2 नॉट +- 2, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर रह गया। अब नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है, हाँ तो जिनके क्वेश्चंस रहेगा अभी 10 to 11 भी आज डाउट क्लास है, डेली चल रही है, उसमें ज्वाइन करके भी आप डाउट पूछ सकते हो, ये है। ठीक है भाई, सो अभी यही स्टॉप करें, कुछ पूछना किसी को बाकी रह गया किसी का क्वेश्चन? सो कलेक्ट योर डाउट्स एंड देन अभी जो बाकी रहेगा डाउट्स वो आप 10 to 11 में डिस्कस कर सकते, किसी भी मॉक टेस्ट का हो सकता है। लास्ट में क्वेश्चन मेरा उसका सर आंसर 4 आ रहा है, तो 8 है हमारा। चलो सॉल्यूशन को देखो एक बार चेक करते हैं। मैट्रिक्स दिस हैज नो रियल वैल्यू, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? नहीं सर एकदम लास्ट में मैंने नोट कर मार्क किया ये, हाँ कि द आर्क लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड थीटा माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ना। अब तो इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वही आंसर होगा। हाँ तो जो भी आंसर होगा वही ना, dx अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर और dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, है ना। तो क्या होगा अब इसका जो भी आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर है। तुम्हारा 4 आ रहा था, 4 ही करेक्ट आंसर है, मैं भी कुछ अलग थोड़ी करूंगा। सॉल्यूशन है इसमें कि नहीं, क्या कह रहे हो? मतलब मैं सॉल्यूशन लिख दूं? अच्छा तुमने भेजे हैं, तो देख गलतियां पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है ऐसे। इसमें क्या है ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो गया। रूट 2 एक और आएगा और ये हो जाएगा 2 कॉस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ना 2 साइन स्क्वायर, तो 2 मिलके 2 बाहर आया ना, रूट 2 था 2 बाहर आया। अब यहाँ मॉड में साइन थीटा बाई 2 होगा तो उसमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा? साइन 0 से 2 पाई में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 से पाई हो जाएगा थीटा बाई 2, 0 से पाई में तो साइन, हालांकि रूट अंडर जो साइन स्क्वायर है वो मॉड होगा, लेकिन थीटा बाई 2 जीरो से पाई में हो जाएगा, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर लो इसको, तो यहाँ गलत है ना तुम्हारा लास्ट में। साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ ठीक है, चलो फिर अब यही स्टॉप करते हैं। जिनके डाउट्स यू हैव टू फिनिश, आपका काम है कि जितने मॉक टेस्ट है उसको कंप्लीट करो, एनालिसिस करो टेस्ट का, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो चीजें नहीं आती हैं बुक खोल के देखो, ऑनलाइन देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, सीखो। फिर भी नहीं समझ आ रहा देन आप मेरे क्लास में डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है? तो आपके डाउट्स मतलब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हाँ आपको ये नहीं आ रहा इसमें, एंड देन 6 to 8 आज जैसे है, 10 to 11 है, कल से हो सकता है 6 to 9 होगा, मैं बता दूंगा अभी डिस्कस करके बच्चों से। तो कल से 6 to 9 डेली डाउट क्लास होगी, उसमें आप पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट कंप्लीट करो, सिलेबस को एक बार कंप्लीट करो एंड देन यू आस्क डाउट्स। चलिए अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू, गुड नाइट।